फिर रही थी, वो मोतियों वाली थी। वो कहा ये कहाँ से आई है? उसने भाई ये मलक जफर से आई है, ये पाँच पाँच चार चार बजे बैठती है। अच्छा। तो इसके दो बहन भरा मैंने और लिए हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने मियाँ नज़ीर मियाँ रऊफ साहब ने कहा तो वो सोना सलार आप नहीं दे सकते, ये दो बच्चे हमें दे दें। अच्छा। वो जिद करके वो बच्चे ले गए, वो मोतियों वाले आपके घर के जो थे, जिसका नाम उन्होंने डाकुआ वाला रखा हुआ है। आजकल जो डाकू हैं, जो डाकू हैं, मेरे मोतियों वाले हैं। ये उनकी कॉपी है बिल्कुल, ये ऐसे रंग था, वो ऐसे ही थे बिल्कुल सेम। दोस्तों ये कबूतर हैं, ये हमारे पास अलमारी वाले हम कहते हैं इनको, तस्वीर वाले भी हम कहते हैं इनको, मैं मोतियों वाले कहते हैं, डाकू है ये। अच्छा। ये जो मियां नज़ीर के पास उन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा। वो मुझे तब पता लगा, मैं एक दफ़ा उस्ताद रऊफ के पास बैठा था। उस्ताद मियां रऊफ, मियां रऊफ आपके वो अपना रिश्ते में उस्ताद लगते हैं? उस्ताद, उन्होंने मुझे उस्तादी दी थी। अच्छा। तो वो कहते हैं मलिक साहब ये टैडी हैं वो तो आपके, आपने बनाए हैं, आपसे लिए हमने, जो डाकू मियां नज़ीर ने बनाए हैं ना। हाँ जी। वो आपके मोतियों वाले हैं, वो हमने अयाद से लिए थे जिद करके। अच्छा। इसका नाम आज आपको हमने खुशखबरी दी है, याद फौत हुआ है कि तब बताया, याद ने हमें मना किया हुआ था कि ये मलिक जफर को पता ना लगे कहाँ गए हैं। अच्छा। तो जब याद फौत हुआ तो मियां रऊफ साहब ने मुझे बताया कि आपको खुशखबरी दें, ये डाकू जो बने हुए ना ये भी आपके कबूतरों से बने हैं। तो इनका नाम डाकू इसी वजह से रखा था? उन्होंने डाकू रखा, मेरे ये मोतियों वाले हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पाँच पाँच चार चार बजे तक बैठते थे, ये इतने अच्छे थे। एक दफ़ा मेरे घर में मियां नज़ीर मियां रऊफ सैन पलवान मराद कोड़ वाले जी जी, ये तीनों मेरे घर में आए कबूतर देखने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मोतियों वाली एक पट्टी मियां नज़ीर ने कहा ये हमें मिल सकती है, मैं कहा ले लो। अच्छा। मेरे घर से पट्टी भी ले गया मोतियों वाली। उस्ताद मियां नज़ीर साहब, मियां नज़ीर साहब माशाल्लाह जी, मोहब्बत प्यार की बात है ना मलिक साहब, जहाँ पे मोहब्बत प्यार हो। मैंने किसी को रोका नहीं है, मैंने फ्री कबूतर दिए जब दिया फ्री। नहीं, मोहब्बत है ना मलिक साहब आपकी। देखें जी, आज लोग आपको याद भी तो करते हैं ना, जहाँ बात होती है आपका जिक्र होता है। देखो जी, रसालों में आपकी यार आप लिखा हुआ है मलिक साहब। टैडी कबूतर थे ना, वो मिस्त्रियों का नाम पड़ गया जब टैडी शीत ने बनाए। हालांकि मैं कभी कबूतरबाजों से बैठता नहीं, कबूतरबाजों में बैठता नहीं। अच्छा। मुझे इतना शौक नहीं, मैं एक मुलाजम पेशा बंदा था, मैं घर में कबूतर रखे हुए थे। मैं, मेरी आपके साथ अब दोस्ती हो गई है। हाँ जी। कभी किसी के पास जाता नहीं था, वो मशहूर थे। हाँ जी। तो उनका नाम उन्होंने मेरे से कबूतर लिए थे, टैडी चार बच्चे मेरे से लिए मेरी टैडी ने, तो वो उन्होंने टैडी बना लिए। हालांकि दुनिया में टैडियों का नाम निशान का टैडी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, होते हैं टैडियों का जिक्र ही कौन था। वो उसका कद छोटा था टैडी शीदे का, वो टैडी शीदे का वो नाम पड़ गया, वो टैडी की टैडी। अच्छा, टैडी टैडी हो गया, टैडी बन गया। हालांकि वो टैडी मेरे से लगाया, लाला यूसुफ लगाया था। हाँ जी। उन्होंने बनाए थे, बिल्कुल सही बात है, वाला टू वेल वाला बड़े उन्होंने उनसे बनाए, बिल्कुल सही है। बाकी मलिक साहब ये कबूतर आपने देखा है, ये कैसा कबूतर लगा जी आपको? बहुत अच्छा कबूतर है, मेरे पास सेम जो मोतियों वाला कबूतर था सेम ये रंग था, उसके ये पर थे ना। अच्छा। ऐसे ही पर थे उसके, में लीक, मैं उनको लीकों वाले पर बोलता था, लीकों वाले पर, उसमें काशनी पर थे काफ़ी परों में। अच्छा। काशनी पर थे, मैं उसे कहता था ये लीकों वाले हैं। अच्छा, लीकों वाले जैसे ये पर निकाल रहे हैं। हाँ, ऐसा हाँ, ही था बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कापी आपको दिखाई है। माशाल्लाह जी, दोस्तों ये है अपने तस्वीर वाले हमारे कबूतर हैं, इनमें से जो है ना आज मलिक साहब को शो करवाया है, तो मलिक साहब ने बताया फिर सारा जो है ना इसका अगला पिछला जो भी इसका मामला थे कि ये कौन से कबूतर हैं। ये बेसिकली मलिक साहब के कबूतर थे मोतियों वाले, ठीक है, कमगर कबूतर थे बेसिकली मोतियों वाले, इनका नाम रखा हुआ था और पैर में मोती थे इसलिए मोती। अच्छा, तो पैर में मोती थे इसलिए बेसिकली कबूतर तो कसूरी थे ना। हाँ, कसूरी थे। कमगरों वाले कबूतर, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं ब्लड लाइन से जो है ना इनके घर के जो मियाँ साहब वो कबूतर लेके गए थे उस्ताद हजाज से, तो उधर से इन्होंने आगे मेनटेन किए हैं। बाकी दोस्तों अपना मलिक साहब वो जो बच्चे इनके हमारे पास उड़े हैं, जो टैडी बच्चा उड़ा है उसका भाई लेके आए हैं, बच्चा वो भी आपको शो कराते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उसकी भी स्टोरी हमें मलिक साहब से सुनते हैं जी। लो जी दोस्तों, ये मलिक साहब के हाथ में बच्चा है जो लेके आए हैं, मतलब और भी बच्चे लेके आए हैं, चार पांच बच्चे लेके आए हैं। ले ये बच्चा वो है जिसका जिसकी सगी बहन हमारे पास उड़ी है मेरे पास छत पे, और स्पेशल मैंने बोल के ये बच्चा एक और मंगवाया मलिक साहब से कि मलिक साहब ये बच्चा आपने दोबारा लेके आना है। मलिक साहब ये ना इस बच्चे का हमें पहले बताएं जी, इसका शजरा क्या जी, ये क्या अपना इसके मामला आते हैं?
फ्लैश ऑन करना लैप नंबर पंजाबी लड़के जी जी मतलब साहब प्यो एक नहीं हाँ जी हाँ जी इनका प्यो वो मैं एक कमगर मादी ने लाया सी कमगर मादी ने लाया सी और मगर मादी ने लाया सी तो उनके बच्चे रात रह के दूसरे दिन 11-11 बजे बैठे सी। अच्छा हूँ मैं प्यो टैडी मादी ने लाया है। अच्छा वो टैडी मादी ने ला के जरा तुम बच्चा दिता कि नहीं हाँ जी उनका रिजल्ट भी तुम क्या अच्छा है मतलब साहब इन शाला तला अल्लाह के हुक्म नाल बाकी तो जेठ जो आए तो देखी जाए दी लेकिन उनकी आदत वो हूँ ही दस रही कि मैं तो ठूँ जी हाँ यह बच्चा भी उनका भाई तुम मैं दिता है उनका भरा छोटा तुम क्या कि बच्चे दो होर कढ़ाओ तो मैं क्या चल मतलब साहब तुम हूँ जोड़ा पुराना लाना है क्योंकि तो काफ़ी टुक लेते ने हूँ मैं पाँच छः सत्त अठ भरा भैन भराई टुक लेते ने माशाल्लाह बाकी दो बच्चे तुहाडे वल छड्डे ने अगों वेखो इहदा रिजल्ट किस तरह हुंदा रिजल्ट इंशाल्लाह मतलब साहब गल हैगी है कि अल्लाह दे हुक्म नाल बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट देदा अगों मैं इह ना क्रॉस करना कमगर नाल कमगर मादी नाल फिर तुहानूं दस्सां नहीं ओ वड्डा कबूतर लगाओ ना जोड़ा वापस पुराना ओ 100% अच्छे ने कि उहनां नाल ओ मेरे तजुर्बा याफ्ता ने ओ अजमाए होए ने चैक कर लिया जोड़ा ते मतलब साहब अपना जोड़ा तुसी अपना पुराने के ताड़े कबूतर चो है बिल्कुल पुराने कबूतर में पुराने टैडियों के कबूतर माशाल्लाह दोस्तों पुराने टैडियों में से मतलब साहब का वो कबूतर है और मतलब साहब वो जो कबूतर है वो किन से मुशाबत रखता है आजकल कुछ मियाँ वाले मियाँ नज़ीर वाले टैडी हैं एक मियाँ चौधरी सखी वाले टैडी हैं और कुछ मैरों वाले टैडी हैं वो किन से मुशाबत रखता है मैरों वाले टैडी मियाँ वाले टैडी वो टैडी तो मुझसे मेरे पे मेरे से ही गए ना नहीं देखे ना अब तीन बंदों ने टैडी और नाम रखा हुआ एक टैडी की मैरो वाले टैडी हैं एक चौधरी सखी वाले टैडी हैं एक मियां नज़ीर वाले टैडी हैं अब जो आपके पास कबूतर है मियां नज़ीर वाले जो लले यूसुफ ने बनाए थे हाँ जी कोने वाले हाँ जी उनमें से अच्छा ये वो वाली ब्लड लाइन है वो ब्लड लाइन ठीक हो गया वही मैं पूछना चाह रहा था कि हमें पता हो ना कि आप बड़े हैं हमें बताया करें ये बेसिकली ये वो मतलब एक कबूतर है जो जो कबूतर लाला यूसुफ मेरे को गया सी उन्हें बीच उन्हें कोने वाला टू वेल वाला बनाए ना ये उन्होंने ब्लड लाइन चुको अच्छा 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 माशाल्लाह मतलब साहब बहुत अच्छा कबूतर है यही कबूतरी सही को गए ने ए वही कबूतरी मारा को गए ने अच्छा हर इंसान ने फिर अपने हिसाब ना मेंटेन कर लेते ना हर इंसान अपना इनका रिजल्ट अगर अच्छा ज्यादा लेना हो ना तुसी अगर इन्हें तुसी ना किसी कमगर मादी ना क्रॉस कर दो तो शामा ही पा देंगे मतलब साहब बिल्कुल तुहाडी गल बजाए अच्छा मैं एक गल दसो हूँ आपस ही बैठे हुए हैं गल रख के नहीं करनी गल हैगी है तुसी हर बंदे दे टैडी कबूतर देखे ने तुसी मीए उन्होंने भी देखे ने तुसी चौधरी साहब के भी देखे ने अपना मेहरा वाले भी देखे ने तो जिहड़े साडे को टैडी ने वो इन्हां नाल मिलते ने कि मुख्तलिफ ने देखो जी जो ताडी टैडी ने कि नहीं मैनू उन्हां नालों अच्छे लगे ने नहीं रख के गल नहीं करनी रख के गल नहीं करनी ताडे टैडी बहुत अच्छे तुसी इन्हां नूं आपस बनाया है मेनटेन किया बड़ा अच्छा मेनटेन किया और मैं जो भी तुम देखे मैं लुत्फ आ जाता है देखो ना मैं गल करना पे थोड़े डिफरेंट है लोगों नालों डिफरेंट ने मियाँ जो सखी के कबूतर ने ना और टाइप के कबूतर ने जी ताडे कबूतर जरा और टाइप के ने मगर ताडे कबूतर की ब्लड जरा ना ये प्योर ब्लड है उन्होंने ब्लड अच्छा है मगर उन्होंने सखी के कबूतर बड़े अच्छे कबूतर ने बहुत अच्छे कबूतर बड़ा कबूतर अच्छे सखी के कबूतर बड़े चंगे ने क्योंकि मियाँ नज़ीर को सारे कबूतर लैके गए और भी लोगों को कबूतर लैके गए जो मेरे कबूतर डैडी शीदी को गए मेरे कबूतर उन्होंने गोली वाला वो भी उतों मियाँ उन्हें को लैके गए डैडी शीदे को उन्होंने भी उन्हें बनाए मियाँ सखी के बड़े अच्छे कबूतर ने और ताडे को भी जो ब्लड तुम बनाया ना जी बड़ी अच्छी मतलब साहब अच्छे तो है ने चलो गल हैगी जिहड़ा ताडे को शुरू जो शुरू हुए थे डैडी उन्होंने मिलते जुलते ने नहीं उन्हां नाल कबूतर मैं अज तक ओह जिहा कबूतर बड़ा घट देखना अच्छा ताडे कोलों किसले मुशाबत पैंदी कबूतर उस कबूतर दी अच्छा कबूतर जिहड़ा सीगा नहीं वह कलसिरा सी कलदुंबा सी ते कहिंदे ने जों सिरा हाँ जी वह कलसिरा कबूतर कबूतर दे पिछे पुराना हो के ना उहदे पिछे छट्टे आ गए जिवें आप ताडे कबूतरां दे पिछे फुल पै जांदे ने मोढ़िआं ते मैं इक तुहानूं कबूतर दिखाना देखो जरा उहदे नाल मुशाबत रखदे आ कि नहीं मैं तुहानूं दिखाना इक हाँ मैं कबूतर मतलब साहब दिखाना जरा उहनूं वेख के जरा दसना जी लो जी सादे मोहतरम मैं तुहानूं हाथी कबूतर दिखाया एक इहनूं देख के जरा सानूं दसो कि कुछ है उहदे नाल हल्का फुल्का कोई मुशाबत रखदा है कि नहीं रखदा क्या है जरा होर तरह दा कबूतर है नहीं जी ओ ना मुशाबत रखदा है वैसे ओनी नहीं रखदा जिन्ना कुछ हो ठीक हो गया उहदी अख दे च ना जिहड़ा ए काला दीदा है कि नहीं हाँ जी ए काला दीदा उहदे साइड दे उत्ते गोलाई दे उत्ते एक ना
ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਰਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਲੇ ਨਾ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸੁਰਖ ਤਿੱਖਾ ਡੋਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਪਿਓਰ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਡੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਟੈਡੀ ਨੇ ਮਗਰ ਮੇਲ ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਤੇਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਕਮ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਬਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਹਾਂ ਸੇ ਬਨੇ ਥੇ, ਵੋ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਲਗਾ ਥਾ ਜੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਥੇ, ਉਨਕੀ ਜੋ ਆਂਖ ਕਾ ਜੋ ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਡਾਇਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਂਖ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਰਿੰਗ ਥਾ ਵੋ ਐਸੇ ਥਾ ਜੈਸੇ ਅੰਡੇ ਕੀ ਸਫੈਦੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਥਾ, ਅੰਡੇ ਕੀ ਸਫੈਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਸਾ ਬਲੀਕ ਬਰੀਕ ਗੁਲਾਬੀ ਥਾ ਡੋੜਾ, ਹਲਕਾ ਥਾ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਨੋਟ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਆਪਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵੋ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਅਸਲ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਤੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਡੋੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇ ਡੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇਸ ਕੀ ਆਂਖ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕੀ ਆਂਖ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਓਰ 17 ਨੰਬਰ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੀ ਨੇ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੋ ਬੜੀ ਮਾਦੀ 8 ਸਾਲ ਉੜੀ ਨਾ, ਉਸਕਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸਕੀ ਆਂਖ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਤਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਅੰਧੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਜਿਸਮ ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਸਲਾਈਆਂ ਸਲੂਈਆਂ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਜੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਠਾ ਹੀ ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਏ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਫੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਲਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਟਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਦਾਣਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਪੂ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੇ ਟੁੱਕੀ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਉੱਠਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਜੋ ਹੱਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਹੈ ਕਬੂਤਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆਪਕੋ ਬਾਤੇਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਬੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ।
नहीं नहीं अपना साजी कोई मसला ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जी। अल्लाह हाफिज़। बड़ा चंगा पठा।